नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स पे। सिलीगुड़ी रोड पांडापाड़ा हल्दीबाड़ी चेक पोस्ट जंक्शन क्षेत्र में सोमवार की सुबह सड़क किनारे पेड़ों में आग लग गई। पास में ही पेट्रोल पंप है। किसी तरह चिंगारी वहां तक पहुंची तो स्थिति भयावह हो सकती है। तुरंत दमकल विभाग व बिजली विभाग के कर्मियों को घटना की सूचना दी गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि आग पेड़ पर बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट से लगी है। दमकल ने आकर आग पर काबू पाया तो स्थिति सामान्य हुई। सिलीगुड़ी अनुमंडल के नसरबाड़ी प्रखंड स्थित कंचनजंगा चाय बागान की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए की मशीनें जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं चला है। दमकल विभाग का प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है। हालांकि दमकल विभाग आग लगने के वास्तविक कारणों की जाँच कर रही है। सिलीगुड़ी में पिकनिक से वापस लौटते समय बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। सिलीगुड़ी महकमे के बागडोगरा के पास जंगली बाबा मंदिर रोड पर रविवार रात इस घटना के बाद इलाके में शोक व्याप्त है। सामाजिक संस्था मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ने कड़ाके की ठंड में दिखाई पहल। गरीबों के बीच बांटे कंबल व गर्म कपड़े। पश्चिम बंगाल प्रदेशाध्यक्ष अशोक सिंह व महासचिव मनोज ओझा जी के नेतृत्व में संस्था के कार्यकर्ताओं ने जिले के दूरदराज विभिन्न गांवों में जाकर गरीबों व असहाय के बीच कंबल तथा गर्म कपड़े इत्यादि का वितरण अभियान चला रहे हैं। इस निमित्त जिले के सुदूरवर्ती पहाड़ गुमिया टी स्टेट से आगे पत्थर अड़हरिया गांव में संस्था द्वारा समाज के बुजुर्ग बच्चों तथा जरूरतमंद व असहाय गरीबों के बीच कंबल व गर्म कपड़ों तथा बिस्किट केक इत्यादि का वितरण किया गया। सिलीगुड़ी के कालीपत घोष तराई विश्वविद्यालय में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई थी। ज्ञात हो कि इस प्रतियोगिता में दार्जिलिंग जिले से चयनित 30 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के अरविंद ग्राम पंचायत के गोमस्टापाड़ा क्षेत्र में रविवार को 700 से अधिक ग्रामीण 13 बसों और छोटी कारों में पिकनिक मनाने निकल पड़े। जलपाईगुड़ी से करीब 75 किलोमीटर दूर झालोंग रोड पर रंगोवन कुमाई पहाड़ी क्षेत्र में जलपाईगुड़ी शहर से सटे गोमस्टापाड़ा क्षेत्र के पंचायत सदस्य राजेंद्र मंडल की पहल पर वार्षिक पिकनिक का आयोजन किया गया था। उत्तर दिनाजपुर में भाजपा सरकार और भाजपा पार्टी ढाई लोगों की है, ढाई लोगों द्वारा चलाई जाती है। मोदी जी, अमित शाह जी और आधे राजनाथ सिंह, यह बातें अल्पसंख्यक एवं मदरसा विकास मंत्री गुलाम रब्बानी ने कही। वह उत्तर दिनाजपुर जिले के नंबर एक ब्लॉक में तिरमूल कार्यालय में दीदीर दूत कार्यक्रम के शुभारंभ में पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया के मुखातिब होते हुए मंत्री गुलाम रब्बानी ने महंगाई सहित कई मुद्दे को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए ये बातें कही। जी टीवी सारेगामा पाक के मंच पर धमाल मचाने वाली स्थानीय लड़की रफा यास्मीन के लिए वोट की अपील करने के लिए मालदा जिला तिरमूल नेतृत्व सड़कों पर उतर आया है। जी टीवी सारेगामा पा लिटिल चैंप्स में मालदा की बेटी रफा यास्मीन के टैलेंट ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। फिलहाल वह खिताब जीतने के दावादारों में से एक है। उत्तर दिनाजपुर में मिट्टी में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना के खाचकली इलाके में हुई। मृत व्यक्ति का नाम उस्मान है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार रविवार को वह घर के काम के लिए मिट्टी काट रहा था। मिट्टी काटते समय अचानक गड्ढे से मिट्टी धंसकर व्यक्ति के ऊपर गिरने लगी तो वह उसमें ही दब गया। उसे बचाकर महकमा अस्पताल इस्लामपुर लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का मामला नहीं रुक रहा है। बंगाल में रविवार को एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने का मामला सामने आया है। पत्थर फेंकने से ट्रेन के शीशे क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना पर पहुंचे अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत के C14 कंपार्टमेंट पर पत्थर फेंके गए थे, जिसमें इसके शीशे टूट गए। पथराव के बाद ट्रेन को बोलपुर रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक रुकना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहें एसके लाइव पे। धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। फॉर रेडी एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर विजिट सिलेक्शन फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हाइट्स, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9832011336। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज और सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्यक्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813।